हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो नवरात्रि के व्रत चल रहे हैं। व्रत कोई भी हो तो अच्छा खाना खाने का मन तो करता ही है। तो यहाँ हम बनाएंगे आलू की कचौड़ी, बढ़िया कुरकुरी, एकदम क्रिस्पी, और इसके साथ में बनाएंगे बहुत ही स्वादिष्ट हरी चटनी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और अब यहाँ ले लिया है मैंने धनिया और पुदीना, ढेर सारा धनिया लिया है, थोड़ा सा पुदीना ले लिया है, पांच छह हरी मिर्च ली हैं। और अब इसमें डाल देंगे नमक, स्वाद अनुसार डाल देंगे। और अब डालेंगे एक छोटी चम्मच जीरा। और अब इसमें पानी नहीं डालेंगे बल्कि इसमें डालेंगे हम लस्सी या दही, आप कुछ भी डाल सकते हैं जो भी अवेलेबल है। और हमारी परफेक्ट ग्रीन चटपटी चटनी, व्रत वाली चटनी जो है तैयार हो गई है। बहुत ही स्वादिष्ट चटनी बनती है ये। तो चलिए अब करते हैं आगे की तैयारी। तो यहाँ मैंने ले लिए हैं आलू, ये उबले हुए आलू हैं लगभग 750 ग्राम। इसमें डालेंगे बहुत सारा कटा हुआ धनिया। बहुत ज़्यादा मसाले व्रत में नहीं खाते हैं तो इसलिए अब इसमें ऐड कर रहे हैं जीरा, हरी मिर्च, आप काली मिर्च डाल सकते हैं, अदरक पसंद है तो अदरक ग्रेट करके ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा पिसा हुआ धनिया भी डाल रही हूँ मैं, अगर आप खाते हैं तो डाल दें वरना जो आप नहीं खाते हैं वो स्किप कर सकते हैं। नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दिया है। और अब इसको हम अच्छे से फोड़ लेंगे आलुओं को। यहाँ पे हम आलुओं को ग्रेट नहीं कर रहे हैं, आप चाहें तो ग्रेट कर सकते हैं लेकिन जो स्वाद फोड़े हुए आलुओं में आता है वो ग्रेट किए में नहीं आता है। तो यहाँ अच्छे से आलुओं को फोड़ेंगे, इसमें कोई भी आलू की गांठ यानी बड़ा आलू नहीं रहना चाहिए। और इस तरीके से मैश कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं लूँगी ये सिंघाड़े का आटा है, कुट्टू का आटा नहीं है। तो कुट्टू के आटे और सिंघाड़े के आटे में बहुत फ़र्क होता है। जो सिंघाड़े का आटा होता है वो तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, जैसे गेहूं का आटा होता है वैसा ही दिखता है, लेकिन जो कुट्टू का आटा होता है वो हल्का दरदरा होता है और काला सा दिखाई देता है। तो यहाँ मैं ले रही हूँ सिंघाड़े का आटा, इससे बहुत ही बढ़िया परफेक्ट हमारी कचौड़ियाँ तैयार होंगी। तो इसको अच्छे से, जैसे आप डो लगाते हैं आटे का उसी तरीके से अच्छे से मैश करते हुए आपको डो लगा लेना है। नमक मिर्च मसाले अपने हिसाब से आप डाल सकते हैं, अगर कोई मसाला या कोई चीज़ आप नहीं खाते हैं फास्ट में तो उसको आप स्किप कर सकते हैं, कुछ ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं। तो इसको अच्छे से डो लगा के हम सेट कर लेंगे। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, मुझे सपोर्ट करने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बिल्कुल फ्री है, चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, कॉमेंट्स करके बताएँ कि रेसिपी कैसी लगी है। और रेसिपी अच्छी है तो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में शेयर करें ताकि वो भी ये रेसिपी बनाएं, व्रत में इंजॉय करें, बना के खाएं। तो अब यहाँ मैंने घी ले लिया है, तो आप अगर रिफाइंड लेते हैं तो रिफाइंड ले सकते हैं, गर्म करने के लिए रख दिया है। जैसे आप लोई लेते हैं आटे की वैसे ही एक बड़ी सी लोई लेंगे और इसको सूखा सिंघाड़े का आटा लगा के बेलेंगे। तो आटा लगा के बेलने में आसानी होती है, अगर ऑयल लगा के बेलते हैं आप तो ज़्यादा चिपकता है आटा। और इस तरीके से बेल लेंगे, ये इसके किनारे तो थोड़े बहुत फटेंगे ही क्योंकि सिंघाड़े का आटा है, तो इसको अच्छे से बेल लेंगे। और किसी भी कटोरी या फिर ग्लास कोई ऐसी चीज़ ले लें जिससे आप इसे कट कर लें, तो परफेक्ट शेप आपकी तैयार हो जाएगी कचौड़ी की। और अब बचे हुए डो को हम दोबारा यूज कर लेंगे। तो इसी तरीके से सारी कचौड़ियाँ आप बेल सकते हैं, तैयार कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया फूली फूली कचौड़ियाँ तैयार होंगी आपकी ये। तो मैं सारी कचौड़ी ऐसे ही कट कर लूँगी। तो इन्हें खाने के बाद आपको बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा कि आप व्रत थे, बहुत ही स्वादिष्ट बनती हैं ये। तो तैयार हैं, अब इनको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए आपको ऑयल जो है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा लो भी नहीं होना चाहिए, इस तरीके का टेम्परेचर आपका होना चाहिए। तो अपने ऑयल को अच्छे से गर्म कर लें, फिर फ्लेम को मीडियम कर दें और इस तरीके से इन्हें थोड़ी देर के लिए ज़्यादा टच ना करें, उलटते पलटते हुए बाद में अच्छे से घुमाते हुए इन्हें फ्राई करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारी कचौड़ी जो है फूलने लगी हैं बहुत ही आसानी से, और बहुत ही स्वादिष्ट आपकी ये व्रत वाली कचौड़ियाँ तैयार होती हैं और इनका स्वाद बहुत बढ़िया होता है। तो इस तरीके से उलट पलट के इन्हें हम गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। जितनी कुरकुरी आप करना चाहते हैं, जितनी क्रिस्पी करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो इसके साथ में आप रायता, दही, लस्सी जो मर्जी लें। और चटनी तो हमने बहुत स्वादिष्ट बनाई ली है, इसी तरीके से हम ये कचौड़ियाँ फ्राई करेंगे। फ्लेम अगर आपका परफेक्ट रहेगा और डो आपका सही से लगेगा तो आपकी कचौड़ी जो है बहुत बढ़िया बनेगी। बहुत ज़्यादा आटा नहीं होना चाहिए डो में, ना ही बहुत ज़्यादा आलू होने चाहिए।
यहाँ 750 ग्राम आलू लिए थे जिसमें लगभग 150 ग्राम आटा हमने डाला है और हमारी ये परफेक्ट कचौड़ी आप देख सकते हैं, फूली फूली सी क्रिस्पी कचौड़ी रेडी हैं। इसी तरह से मैं सारी कचौड़ियों को फ्राई कर लूँगी। तो कमेंट्स करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, ज़रूर सब्सक्राइब करें। और इस तरीके से हम सारे फ्राई कर लेंगे। तो इनको अगर आप बेलते नहीं हैं, ऐसे ही हाथ से प्रेस करके डालते हैं तो ये जल्दी फूलती नहीं है। फूलने के लिए बेलना पड़ेगा आपको, और ऐसे कट कर लें बराबर के साइजेस। परफेक्ट कचौड़ी रेडी है, चलिए सर्व करते हैं। तो ये हमारी कचौड़ी की प्लेट रेडी है, बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही बढ़िया, बहुत ही आसानी से तैयार हो जाती है। 10 से 15 मिनट में आप कचौड़ी बना के तैयार कर सकते हैं। फिर मिलेंगे।